गुड मॉर्निंग बच्चों, आगे देखते हैं अपने सीधा लिंक लिस्ट में। पार्ट चैप्टर जो 5 है, लास्ट चल रहा है। अभी हमने लाभ देखे थे पिछले वीडियो के अंदर, आज हम इसकी हानियां देखते हैं। हानियां ज़्यादा नहीं है इस लिंक लिस्ट की, दो छोटी हानियां हैं। पहला है, यदि आवश्यक मेमोरी का पता हो तो मेमोरी वेस्ट होती है। यानी कि जैसे कि हमने पहले लाभ के अंदर बताया था कि इसको मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं होती, ये ले लेती है स्वतः ही। लेकिन जब हमें आवश्यक पता हो मेमोरी का, भी मुझे पता है कि भी इतनी मेमोरी लगने वाली है, तो मेमोरी जो है वो वेस्ट होती है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी ले लेती है। ये एक लिंक लिस्ट की छोटी सी कमी है। दूसरा है, सर्च करना मुश्किल होता है इसके अंदर। सर्चिंग होती तो है मगर थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि डेटा जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एड्रेस एक दूसरे के पास रहते हैं, तो थोड़ी सी खोजने में कठिनाई रहती है। लेकिन खोजा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि खोजा नहीं जा सकता। ये दो छोटी छोटी हानियां हैं इसकी। उसके बाद आगे देखते हैं कि लिंक लिस्ट जो होती है उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन यानी कि कुछ काम कर सकते हैं लिंक लिस्ट पर। जैसा कि हमने पहले एरे पर भी देखा था, जो पहला चैप्टर था उसके अंदर भी हमने डेटा स्ट्रक्चर के जो ऑपरेशंस थे, जो 6 ऑपरेशन थे, वो भी हमने आप पढ़े थे, जिसके अंदर कि भी हम क्या क्या काम इन डेटा स्ट्रक्चर पर कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट पर हम मोस्टली ये 4 डेटा ऑपरेशन, ये ऑपरेशंस जो है कर सकते हैं, 4 काम इनके ऊपर कर सकते हैं। नॉर्मल वही है, पहला है इंसर्शन। लिंक लिस्ट में नए तत्वों को हम लोग जोड़ सकते हैं, जो कि हमने इसी चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि भी ये जो लिंक लिस्ट जो होती है वो डायनामिक होती है, यानी कि रन अवस्था में भी हम इसके अंदर डाटा जोड़ सकते हैं, रन अवस्था में इसके अंदर से डाटा हटा सकते हैं। सेकंड आता है डिलीशन। डिलीशन मतलब हटाना, डिलीट करना। लिंक लिस्ट में मौजूद डेटा तत्व को हम हटा सकते हैं, रन अवस्था में भी हटा सकते हैं, इसीलिए ये डायनामिक प्रकार की होती है। थर्ड आता है सर्चिंग। लिंक लिस्ट में डेटा तत्व को हम लोग खोज सकते हैं कि भी इसके अंदर कौन सा तत्व जो है वो कहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन खोजा जा सकता है, ये ऑपरेशन भी किया जा सकता है इसके ऊपर। और चौथा और अंतिम है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना, यानी कि दिखाना, कि जब हम लिंक लिस्ट बना लेते हैं तो उसको एक साथ में प्रदर्शित करना, तो वो डिस्प्ले कहलाता है। लिंक लिस्ट को पूर्ण रूप से प्रदर्शित भी किया जा सकता है। ये 4 प्रकार के ऑपरेशन इसके अंदर हम करते हैं। अब जस्ट आगे हम लोग देखेंगे किसी भी लिंक लिस्ट में डेटा तत्व को जोड़ना और डेटा तत्व को हटाना, ये 2 ऑपरेशन हम लोग करके देखेंगे, जिसमें जिसे इंसर्शन और डिलीशन हम लोग कहते हैं। अब हम लिंक लिस्ट में जो है वो इंसर्शन ऑपरेशन को समझते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भी लिंक लिस्ट में जहाँ डेटा रहता है उसे हम लोग नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो लिंक लिस्ट में हम नया नोड जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर हमें कल्पना करनी होती है कि माना ये कोई एक ए नोड है, जिसमें ए तत्व है। माना ये एक कोई एक नोड और है जिसमें सी तत्व है। ये ए और सी के बीच में हम नया तत्व इंसर्ट करना चाहते हैं, एक डेटा तत्व बी है उसको डालना चाहते हैं, ये बी नोड है। इस नोड के 2 पार्ट हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक में डेटा आइटम रहता है और एक में एड्रेस रहता है। किसका? अगले तत्व का। तो यहाँ पर अभी इस ए में इस सी का एड्रेस है, लेकिन जब हम इन दोनों के बीच में हमें बी को इंसर्ट करना है, तो दैट मीन्स ये तभी इंसर्ट होगा जब ए जो है वो बी को पॉइंट करे और बी जो है वो सी को पॉइंट करे। तो यहाँ पर हमें अब इनके साथ में लिंकिंग करनी होगी, इस बी की इन दोनों के बीच में लिंकिंग करनी होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम जो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी नोड, ये वाला बी नोड जो कि न्यू नोड है, नया नोड है, ये सी को पॉइंट करेगा, यानी कि ये बी जो है वो सबसे पहले इसको पॉइंट करेगा। तो ये सबसे पहला काम होता है, यानी कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, यानी कि इसका नेक्स्ट जो है वो सी को पॉइंट करेगा, यानी कि राइट नोड। यहाँ पर 2 नोड है फिलहाल हमारे पास में, 1 और 2। इसको हम लोग मान लेते हैं लेफ्ट
और ये है हमारा राइट नोड, लेफ्ट मतलब बायां और राइट मतलब दायां। तो हम लोग सबसे पहले दाएं नोड को, बी जो है नया नोड है वो पॉइंट करेगा इस तरह से। नीचे चित्र में देखिए कि ये हमारा ए नोड है, ये हमारा सी नोड है। फिलहाल ए जो है वो सी को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब जो है वो नया नोड बी जो है उसका जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, सी को पॉइंट कर रहा है। यानी कि पहली प्रक्रिया होगी ये। अब हम दूसरी प्रक्रिया में ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हटा करके, और अब जो ए नोड जो है वो बी को पॉइंट करेगा, तब जो है वो नई जो है वो लिस्ट बनेगी। कैसे बनेगी आगे देखते हैं जस्ट अभी हम। अब वो आगे की प्रक्रिया देखते हैं कि भी जब हमारा बी नोड जो था, जो कि न्यू नोड है, उसने सबसे पहले तो सी को पॉइंट किया। आगे की प्रक्रिया जो होती है, अब जो लेफ्ट नोड यानी कि ये वाला लेफ्ट नोड है और ये वाला राइट नोड, मैंने अभी आपको बताया था पहले, तो ये लेफ्ट नोड जो है वो न्यू नोड यानी कि बी को पॉइंट करेगा। यानी कि ये जो कनेक्शन था, ये आभासी दिखाया है, ये कनेक्शन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के और इसको पॉइंट करने लग जाएगा। जो पहले सी को पॉइंट कर रहा था वो अब किसको पॉइंट करने लग जाएगा, बी को। तो यानी कि ये वाला जो है ये यहाँ से हट जाएगा और ये कनेक्शन यहाँ से जुड़ जाएगा। तो अब इस तरह से नया नोड लिंक लिस्ट में इंसर्ट हो जाएगा और पूरी लिस्ट इस प्रकार दिखाई देगी। यानी कि ये हेड जो है ए को पॉइंट कर रहा है, ए जो है वो बी को पॉइंट कर रहा है और बी जो है वो सी को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से लिंक लिस्ट में नया तत्व जो है वो हमारा जुड़ जाएगा। और आगे एक टॉपिक और बचा है छोटा सा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और उससे अगला जो चैप्टर है वो हम लोग शुरू करेंगे। ये हमारी एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक यूनिट में 5 चैप्टर है टोटल, और 5 चैप्टर में केवल हमने एक चैप्टर बीच में छोड़ा है, वो है सॉर्टिंग वाला। सॉर्टिंग वाला प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स ज़्यादा है, जो कि जब हम 21 तारीख से स्कूल आएंगे तो हम उसके अंदर उसको पढ़ लेंगे। और कल से जो अगले वीडियो में जो है वो एक छोटा सा टॉपिक लिंक लिस्ट का बता करके, और आगे हम 6ठा चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। स्टिल देन बी सेफ, थैंक यू।